भैया एगो बहुते पुरानी कहावत है कि चींटी का मंतर नहीं आता है तो भाई अजगर के खोते में उंगली मत करो, यानी कि अजगर के बिल में उंगली मत करो, वो डसेगा नहीं बल्कि सीधा ही सीधा निगल जाएगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि भैया मैं कहावत को थोड़ा उल्टा क्यों बोल रहा हूँ, यानी कि भाई बिच्छू का मंतर नहीं आता है तो सांप के बिल में उंगली नहीं किया जाता है। तो भाई क्या करे, नाच ना आए आंगन टेढ़ा वाले लोगों को देखकर ये ऐसी कहावत दिमाग में इन दिनों आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी है भैया हम सब के प्यारे यानी कि कैरी मिनाटी से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों कैरी मिनाटी के साथ कैसा व्यवहार हुआ यूट्यूब पर, यानी कि उन्होंने द इंड जब वीडियो बनाया था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स पर, तो भाई उसको जबरदस्त रिस्पांस मिला था इंडिया में। और इतने जबरदस्त रिस्पांस को देखने के बाद कुछ ज्वलनशील पदार्थ यानी कि जलने वाले पदार्थ अचानक जल पड़े थे उनकी कामयाबी को देखकर कि भाई कैसे कोई इतना कामयाब हो सकता है, कैसे किसी को इतना प्यार मिल सकता है। तो भाई उसके बाद ये जो ज्वलनशील पदार्थ थे ये क्या थे भैया, पेट्रोल बनकर दौड़ पड़े किसके पीछे, तो भैया कैरी मिनाटी को जलाने के लिए। लेकिन हुआ क्या भाई, हाथ में खुद के पेट्रोल लेके दौड़ोगे तो भाई पहले आग तो तुम्हारे हाथ में लगेगी। तो वो आग अब लगभग लगभग लग चुकी है उस प्लेटफॉर्म पर जिस पर ये लोग आकर खुद को बोलते थे कि भाई हम तो बहुत जबरदस्त कंटेंटर हैं, भाई हम कंटेंट बनाते हैं, ठुमके भी स्लो मोशन में लगाते हैं और उसके बाद में हमारे बालों के रंग खुद ब खुद अलादीन के चिराग की तरह बदल जाते हैं और हमारी इन हरकतों को देखकर लोग मुस्कुराते हैं और लाइक पर लाइक ठोकते हैं। तो भाई इनको लाइक ठोकने वाले अब इनको ठोकने पे आ चुके हैं कि भाई इनको इस तरीके से ठोका जाए कि भाई ये जो बला है, ये जो वायरस है, चाइनीज वायरस जिसको हम लोग बोल सकते हैं टिकटॉक, यानी कि भैया ये चाइनीज माल जो है, जो कि चाइनीज बीमारी की तरीके से इंडिया में बहुत तेजी से फैली जिसको हम लोग टिकटॉक बोल सकते हैं, उस पर अब सवालिया निशान खड़ा होने लगा है कि भाई टिकटॉक हमारे युवाओं को किस तरफ ले जा रहा है, मतलब कि वो किस तरीके का प्लेटफॉर्म हमारे युवाओं को दे रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पर कैसे कैसे वीडियो अपलोड हो रहे हैं। भैया कल तक तो हम लोगों ने एसिड अटैक को देखा था, आज हम लोगों ने बलात्कार को प्रमोट करते हुए कुछ लोगों को देख लिया। तो भाई जैसे ये मामला सामने आया तो भाई जो टिकटॉक कल तक 2.0 स्टार पे था, यानी कि 4.5 स्टार से उतर के 2.0 स्टार पर आने वाला टिकटॉक आज 1.3 स्टार पे आ चुका है, यानी कि बहुत जल्दी 0.5.2 पे ये पहुंचने वाला है। यानी कि भैया भारतीय लोगों ने ये बात साबित कर दी है अपनी यूनिटी दिखा कर कि भाई चाइना का माल नहीं चलेगा। इंडिया में कुछ दिनों तक चाइना का माल थोड़ा सा कमाल करता है और उसके बाद लोगों को समझ में आ जाता है ये तो भाई चाइनीज माल है, ये कैसे चलेगा इंडिया में। तो भाई वैसा ही होता नजर आ रहा है टिकटॉक के साथ, यानी कि भाई कैरी भैया से पंगा लेना महंगा पड़ गया टिकटॉकर्स को, यानी कि उनकी एक हरकत ने सारा गुलशन जला दिया। तो भैया सारा गुलशन जल गया इन लोगों का। अब ये बेचारे सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ ठुमके लगाएंगे, कहाँ अपने बालों के रंग को बदलेंगे, यार ये पूरा बदरंग कर दिया यार। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आप टिकटॉक का कितना विरोध कर रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक पे जैसे कंटेंट आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा आज अलग मूड में था कुछ वीडियोस देखने के बाद, वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा है। भाई ठीक है एक प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे अपने कला को दिखा रहे हैं, आप अपने क्रिएटिविटी को दिखा रहे हैं, चलिए मैं बोलता हूँ कि आप क्रिएटिव लोग हैं, आप क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, लेकिन एसिड अटैक उसके बाद में फिर ये बलात्कार वाला जो वीडियो आया जिसको आप लोग प्रमोट करते नजर आ रहे हैं, ये किस तरीके की क्रिएटिविटी और आप किस दिशा में अपने देश को ले जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि इस प्लेटफॉर्म का बहिष्कार इंडिया में होना चाहिए कि नहीं, या फिर ऐसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म से निकाल फेंकना चाहिए कि नहीं जो लोग ऐसे कंटेंट बनाकर लोगों को गलत दिशा में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पर अपना कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। और भाई मैं कैरी मिनाटी भाई के साथ में हूं, जिस तरीके से उन्होंने ऐसे लोगों को जवाब दिया था वो काबिले तारीफ था और उनको जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है वो जबरदस्त है।
तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।